हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, द डायरेक्टर ऑफ द पाथफाइंडर्स एकेडमी पुणे एंड दिल्ली, एंड द वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म फॉर CDS, FCAT एंड CAPF कैटेगरी। डिसम्बर शुरू हो चुका है, मतलब एग्जाम का सीजन स्टार्ट हो चुका है। FCAT फेब्रुवरी में आने वाला है। CDS 1 2022 जो है ये 10 अप्रैल को आने वाला है, और इस बार CAPF असिस्टेंट कमांडर 2022 ये जो एग्जामिनेशन है ये 7 अगस्त 2022 को आने वाला है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन और टू गियर अप योर प्रिपरेशन। स्पीड लेने का समय आ चुका है क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। तो मैं आज कुछ छोटे से टिप्स दूंगा कि आपको अगर प्रिपरेशन करना है CDS या CAPF या FCAT एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। आज मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा कि जनरल साइंस को कैसे प्रिपेयर किया जाए और कैसे करना चाहिए। जनरल साइंस ये जो पार्ट है ये CDS, FCAT और CAPF एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला यूनिक पार्ट है। जो लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे जनरल साइंस नहीं है, तो वहाँ पे जो चीज़ें आती है वहाँ पे आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट दैट इज़ नॉट अ जनरल साइंस। जनरल साइंस ये जो सब्जेक्ट है ना ये बहुत बेसिक लेवल से पूछा जाता है CDS, FCAT और CAPF में। और जनरल साइंस भले वो CDS हो या CAPF हो या FCAT हो, ये तीनों में जो जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट है, जनरल स्टडीज़ का जो CAPF में अलग से पेपर है, जनरल स्टडीज़ का CDS में अलग से पेपर है जिसका नाम है जनरल नॉलेज, और एक सेक्शन है FCAT में, तो ये तीनों में ही सबसे ज़्यादा अगर वेटेज वाला कोई पार्ट है वो है जनरल साइंस। और ये तीनों का जनरल साइंस बिल्कुल एक जैसा है। एंड दिस जनरल साइंस इज़ नॉट सिमिलर टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, UPSC सिविल सर्विसेज जिसको पूछा जाता है, IAS IPS वाला प्रीलिम, उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। ये वाले एग्जामिनेशन में CDS, FCAT, CAPF में क्वेश्चन आते हैं बहुत ही बेसिक साइंस के ऊपर, ना कि कोई एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं मेनली सारे के सारे क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो वो 6th to 10th NCERT ये जो है साइंस के, ये अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आई कैन एश्योर यू, यू कैन इजीली सॉल्व मोर देन 80% क्वेश्चन। अभी इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 2017, 18, 19, 20 और 21 लास्ट 5 साल का आप CAPF का ट्रेंड देखोगे तो ऑन एन एवरेज 24 से लेके 34 तक क्वेश्चन पूछे गए, 24 to 34 क्वेश्चंस, मींस 48 to 68 मार्क्स ये अकेले जनरल साइंस के ऊपर पूछे गए हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस जो मोर देन 80% क्वेश्चन जो है ये 6th स्टैंडर्ड के NCERT से लेके 10th स्टैंडर्ड के NCERT के ऊपर है। कुछ क्वेश्चन, चंद क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 11th and 12th NCERT के ऊपर। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ईयर 2021 में 8th ऑगस्ट को जो एग्जामिनेशन हुआ इस साल CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें 28 क्वेश्चन आए जनरल साइंस के ऊपर, उसमें से 24 क्वेश्चन 6th to 10th NCERT के ऊपर है और 4 क्वेश्चन 11th 12th के ऊपर है। सिमिलरली जो CDS हुआ 14 नवंबर 2021 को, उसमें टोटल क्वेश्चंस आए 32। ये 32 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन 11th 12th के लेवल के थे और 29 क्वेश्चन 6th to 10th NCERT के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है। और मैं अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर साइंस का एक कोर्स कराया था जिसका नाम था टेस्ला। ये कोर्स में से जिन्होंने ये कोर्स किया था CAPF में और CDS में, लोगों के मोर देन 25 क्वेश्चंस करेक्ट आ चुके हैं आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस। सो ये सबसे एश्योर्ड एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप आराम से कवर कर सकते हो। अगर आपको CDS, FCAT या CAPF क्वालिफाई करना है, जनरल स्टडीज़ में अच्छा स्कोर करना है ताकि आप मेरिट आउट नहीं हो, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो साइंस के बिना आपको चारा नहीं है। सो जनरल साइंस अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 6th to 10th NCERT बहुत अच्छे से तैयार करो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बाकी के बुक्स ख़राब है, बहुत सारे बुक्स अच्छे अवेलेबल है मार्केट में, बट इट इज़ नॉट अबाउट बुक्स। UPSC NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन लाइन टू लाइन पिक कर रहा है, दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड गो फॉर द NCERT। दूसरा चीज, जो बाकी के बुक्स है डायरेक्ट उसमें फैक्ट मेंशन किया हुआ है, बहुत सारा फैक्ट है, बुक्स खराब नहीं है लेकिन आपको याद नहीं रहते,
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको वो बुक्स में से याद नहीं रहता। पढ़ते तो सब कुछ हो लेकिन याद नहीं रहता, क्योंकि सिर्फ फैक्ट 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 आप याद नहीं रख पाओगे। ऑन द अदर हैंड एनसीईआरटी जो है ये बच्चों के लिए लिखे गए हैं और बहुत ईजी सिंपल वर्ड्स में आपको समझा है। सिर्फ एनसीईआरटी फैक्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी है, ताकि समझना आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए 6 to 10th एनसीईआरटी कर लीजिए। मैंने एनसीईआरटी हाईलाइट करके दिए हैं आपको, ये मेरे एनसीईआरटी आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे अनअकैडमी के ऊपर, जो मेरा फ्री प्लेटफॉर्म है उसके भी ऊपर। आप मेरे प्रोफाइल को अनअकैडमी में जाके फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं हाईलाइटेड एनसीईआरटी भी दिए हैं, जो जिससे आपको आई कैन एश्योर यू आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के देखो और मेरे हाईलाइट्स देखो, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन डायरेक्ट उसी में से है। मेरा एक्सपर्टीज उतना लेवल का हो गया कि मुझे पता है कि कौन से लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे, कौन सी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकते। देर आर मल्टीपल रीजन फॉर दैट, आई माई सेल्फ हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन एंड बाई क्वालिफिकेशन आई एम अ डॉक्टर। मैंने MBBS किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, तो मेरा खुद का एक्सपर्टीज ये फील्ड में है। मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मैंने नीट जैसे एंट्रेंस को क्वालिफाई किया है विथ रैंक। दैट इज वाई आई गॉट एडमिशन इन टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड मेरा और भी एक एक्सपर्टीज है, आई वॉज असिस्टेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये फील्ड के ऊपर मेरा एक्सपर्टीज है, मेरा एक्सपीरियंस है। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मैंने मैग्रो हेल्थ पब्लिकेशन के लिए 3 बुक्स भी लिखे हैं, उसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक है। सो मुझे पता है क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। मेरा खुद का एकेडमी भी है जिससे जिसमें 200 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, ऑफिसर बन चुके हैं पिछले 2 सालों में। एंड मैं अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर भी हूँ, इसका मुझे एडवांटेज है, मुझे बहुत क्लैरिटी है। मैं आपका प्रिपरेशन इसमें बहुत आसान कर सकता हूँ, आप सिर्फ मेरे बनाए हुए या सेशंस को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस अगर आपको ज्वाइन करना है, CDS FCAT CAPF आप प्रिपेयर कर रहे हो या अनअकैडमी के ऊपर कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, मोर देन 40 एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड प्रशांत YT10, जिससे आपको 10% ऑफ भी हो जाएगा और मैं अपना खुद का मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरा मेंटरशिप वैसे भी फ्री रहता है, आप कभी भी मुझसे आके मिल सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज में CDS FCAT CAPF के एस्पायरेंट्स को हम लोग एग्जाम क्रैक करने में मदद कर रहे हैं। पिछले साल CDS में हमारा ऑल इंडिया रैंक 3 भी आ चुका है, जो CDS में एयरफोर्स में भी सिलेक्ट हो गया था और आई एम ए में भी सिलेक्ट हो चुका है। 2019 में हम लोग का 2020 में हम लोग का ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमारे आ चुके हैं एंड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड एफकैट रिटर्न एग्जामिनेशन फ्रॉम अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। सो सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। साइंस जनरल साइंस के लिए 5th जनवरी से मेरा एक प्लस कोर्स शुरू हो रहा है, अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। यू कैन यूज रेफरल कोड प्रशांत YT10। जय हिंद, बाय।